जी जनाब लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हम कुछ कैश बजट पे डिस्कशन कर रहे थे सादिक लिमिटेड का क्वेश्चन सादिक लिमिटेड का क्वेश्चन हमने देखा था और उसके बाद हमने लोटस एंटरप्राइज में सिर्फ कैश रिसीट्स की साइड को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम ऑटम 16 क्वेश्चन वन Lotus Enterprises, page 250 पे आ रहा है जी हमारे पास इसमें रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कैश बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर एज्यूम दैट ऑल ट्रांजेक्शन अकर इवनली थ्रू आउट दस अदरवाइज स्पेसिफाइड 360 डेज इन ईयर। अच्छा इसको क्वेश्चन को लास्ट लेक्चर में, में सिर्फ इसकी रिसीट साइड देखी थी अब हम जरा डिटेल में क्वेश्चन पढ़ते हैं हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था पूरा क्वेश्चन हम देखते हैं The following information has been extracted from the projected financial statements of Lotus Enterprises for the year ending 30th September 2016. Extract of financial statement: sales 3000, raw material consumption 900 million, raw material inventory including imports of 98 million conversion cost variable 570, conversion cost fixed including depreciation 40, operating cost variable fixed operating cost including depreciation 120, trade debtors, trade creditors, local purchases 95, advance to suppliers for import of raw material. जो मटेरियल इंपोर्ट है उसके गेस्ट एडवांस है और जो मटेरियल लोकल परचेज है उसमें हम क्रेडिट पे ले रहे हैं नाइन्टी फाइव मिलियन का क्रेडिटर्स इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर सेल वॉल्यूम द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर सेल वॉल्यूम इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय थर्टी परसेंट ऑर्डर टू

ali has decided to improve follow-ups uh, which would ensure collection within 40 days. 40% 40 of the raw deal consumed is imported, which is paid in advance on the placement of purchase order. the delivery is made within 30 days after the placement of order. ali has negotiated with the foreign supplier and agreed that from the next year, payments would be made on the receipt of goods. पहले एडवांस पे खरीदते थे अगले साल जिसका बजट बनाना है गुड्स डिलीवर होंगी, फिर पेमेंट की जाएगी इंपोर्टेड के लिए लोकल परचेज वुड बी पेड इन 50 डेज एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन इकोनमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट बाय 5 परसेंट ड्यू टू प्राइस इनक्रीजेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल एंड ऑल अदर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसी वुड इंक्रीज बाई टेन एंड एट परसेंट रिस्पेक्टिवली रॉ मेटीरियल दस फीसद से अदर कॉस्ट आठ परसेंट से एवरेज डेज फॉर पेमेंट ऑफ अदर कॉस्ट वुड रिमेन द सेम दैट इज ट्वेंटी का पेमेंट फिफ्टी डेज है अदर कॉस्ट का पेमेंट डेज ट्वेंटी फाइव डेज होंगे देर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री क्वान्टिटी ऑफ क्लोजिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल एज अ परसेंटेज ऑफ रॉ मेटीरियल कंजम्पन वुड रिमेन द सेम उसने ये नहीं कहा क्वान्टिटी ऑफ क्लोजिंग लोकल एंड इंपोर्ट रॉमटीर वुड रिमेन द सेम उसने कहा जी क्वानिटी एट द परसेंटेज ऑफ कंज़म्पशन वुड रिमेन द सेम एली यूज फाइव फोर मैथड ऑफ ऑफ़ इन्वेंट्री। प्रिपेयर कैश बजट देर आर सो मैनी वेरिएबल इन एनी कैश बजट या बजटिंग क्वेश्चन सो अब इसको एक दफ़ा फिर मैं जाऊंगा कि आप लोग खुद भी पढ़ लें ताकि आप मैक्सिमम डाटा कैप्चर कर सकें रिसीट्स पे हम बात कर चुके हैं हमने पेमेंट्स पे बात करनी तो फिर रीड आउट कीजिए इस क्वेश्चन को ज़रा ताकि डाटा को अब्जॉर्ब कर सकें मैक्सिमम। सीट्स लास्ट लेक्चर में हम मैयर कर चुके थे पेमेंट से हमें बात शुरू करनी है पेमेंट्स हमारे पास तीन तरह की आएंगी तीन पेमेंट्स क्यों हैं क्योंकि हमें तीन पेबल्स के पैटर्न नज़र आ रहे हैं एक पेबल का पैटर्न एक्सपेंसेस का है जिसमें 25 दिनों बाद पेमेंट की जा, की जाती है दूसरा पेमेंट का पैटर्न लोकल परचेजेस का है जिसमें पेमेंट परचेज़ के 50 डेज बाद की जाती है तीसरा पेमेंट का पैटर्न इंपोर्टेड मटेरियल क्या है जिसमें पेमेंट पिछले साल तक एडवांस में की जाती थी आइंदा से रिसीट बेसिस पे की जाएगी मतलब आइंदा एडवांस हमें देने की ज़रूरत नहीं होगी अच्छा जी सबसे पहले हम एक्सपेंसेस पे बात शुरू करते हैं ये हम डील कर चुके हैं लेट्स ये वर्किंग हैंडल हो चुकी है मैं इसी को वर्किंग नंबर वन दोबारा दे रहा हूँ हो सकता है पहले कोई नंबर लग चुका हो पिछले जब हमने लास्ट डिस्कशन की थी मैं फ़िलहाल इस आज के हिसाब से वर्किंग नंबर वन एक्सपेंसिज़ को दे रहा हूँ एक्सपेंसिज में अगर आप ये जो एक्सट्रैक्ट उसने दिया हुआ है पी का हमारी चार तरह की कॉस्ट हैं कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट वेरिएबल फिक्स ये चार कॉस्ट हैं इन चार में क्या चेंजेस आनी है उसकी प्रोजेक्शन का डाटा उसने में दिया हुआ है पिछले साल की कॉस्ट पता है अगले साल की कॉस्ट हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं पिछले साल की कॉस्ट से ओपनिंग पेएबल आएगा पिछले साल की कॉस्ट से पिछला क्लोजिंग पेबल होगा ना जो हमारे बजट का ओपनिंग होगा सो पिछले साल की कॉस्ट से ओपनिंग पेबल आएगा करंट ईयर कॉस्ट से क्लोजिंग पेएबल आएगा तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे से वर्किंग वन में दैट विल बी इक्वेशन पेबल का अकाउंट या आप टी अकाउंट से चलें आप टी अकाउंट से करते आ रहे हैं उसी से बना लेते हैं हम हम एक्सपेंसिस पेबल का अकाउंट बनाते हैं एक्सपेंसिस पेबल का अकाउंट बनाते हैं इसमें ब्रॉड डाउन बैलेंस यहाँ पे होगा फिर एक्सपेंसिस जो इनकर्ड हुए हैं वो इधर क्रेडिट होंगे फिर आपका डाउन यहाँ से आना है और ये आपकी कैश पेमेंट है विच वैल्यू यू आर लुकिंग फॉर वर्किंग वन अब यहाँ से वन बाय वन वन पॉइंट वन में हम ब्रॉड डाउन लाते हैं वन पॉइंट टू में हम एक्सपेंसिज लाते हैं और वन पॉइंट थ्री में कैरिडाउन लाते हैं दिस विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर हम टी काउंट से इसको हैंडल करते आ रहे हैं पेबल सीबल को तो हम टी काउंट से इसको ले कर चलते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन उसके लिए हमें पिछले साल के एक्सपेंसिस की डिटेल चाहिए तो पिछले साल के एक्सपेंसेस की डिटेल हम यहाँ बनाते हैं आ, हमारे पिछले साल के एक्सपेंसेस थे जी वेरिएबल 570 प्लस फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट 40, लेकिन इसमें से डेप्रीसी तो निकलेगी ना 16 की प्लस वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 730 प्लस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 120, लेकिन इसमें से भी डेप्रिसिएशन निकलेगी ये पिछले साल की हमारी कैश कॉस्ट है और हमें कहा गया है कंपनी की पॉलिसी है 25 दिन बाद पेमेंट होती है तो 25 दिन के एक्सपेंसेस हमारे पेएबल में खड़े होंगे ये लीजिए जी ये आपके 25 दिन के एक्सपेंसेस आ गए कितने बनते हैं जी 25 दिन के एक्सपेंसेस ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका 98.40 मिलियन दिस इज़ बैलेंस ब्रॉड डाउन नाइन्टी बैलेंस पेएबल एक्सपेंसिज पेएबल ब्रॉडडाउन एक्सपेंसिज पेएबल सिर्फ कैश कॉस्ट के अगेंस्ट स्टैंड करते हैं हमें जो कॉस्ट की डिटेल एक्सपेंसिस की डिटेल दी गई उसमें कैश कॉस्ट भी थी नॉन कैश भी थी तो हमने नॉन कैश को बीच में से लेस कर दिया डेप्रीसी को बीच में से डिडक्ट कर दिया तो हमारा ओपनिंग बैलेंस जो ब्रॉड डाउन आया वो नाइन्टी एट पॉइंट फोर जीरो है जो कि पिछले साल के एक्सपेंसेस पे बेस्ड है एनी क्वेश्चन कोई सवाल जी अच्छा इसके बाद अब हमने पिछले साल की हर कॉस्ट को पकड़ना है 570, 24, 730 एंड 93। हर कॉस्ट का पकड़ना है इसको अगले साल के लिए बजट करना है फोरकास्ट करना है यूजिंग इंफॉर्मेशन जो उसने हमें दी हुई है नीचे नोट नंबर वन से सेवन तक लेट्स टॉक अबाउट 570. 570 कॉस्ट जो हमारी वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में वेरिएबल कॉस्ट को क्या क्या हिट करता है वॉल्यूम इन्फ्लेशन. वॉल्यूम के बारे में उसने बताया वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 30%. परसेंट अच्छा यहां एक तवज्जो चाहिए वेरिएबल कॉस्ट ये छोटी छोटी चीजें आपके ध्यान में क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन आपको ट्रिक कर सकता है वेरिएबल कॉस्ट जो पी में आ जाती है इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है यहां पे इसने क्या क्या प्रोडक्शन से बढ़ेगी क्या लिखा हुआ है सेल्स तीस बढ़ेगी सो आपको क्लियर होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन चाहिए सेल में इजाफा है लेकिन साथ ही इस क्वेश्चन का अगर नोट रिकॉल करें देर इज नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स फिनिश गुड की इन्वेंट्री है ही नहीं तो इसका मतलब सेल्स इक्वल टू प्रोडक्शन ये चीजें आपके जेहन में चलनी चाहिए एग्जाम में आपको सवाल है उसमें सकता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया जाए तो आपको वहां से फिर प्रोडक्शन में इंक्रीज निकालनी पड़ेगी कितनी सेल में थर्टी परसेंट इंक्रीज का मतलब प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज है क्योंकि कॉस्ट में इंक्रीज तो प्रोडक्शन से लिंक होता है ठीक है जी बट यहां पर हमने क्या समझा कि यहां पर सेल्स में इंक्रीज थर्टी है लेकिन फिनिश गुड की इन्वेंट्री जीरो है तो जितनी सेल में सेल इज इक्वल टू प्रोडक्शन हो गई तो जितना सेल में इंक्रीज उतना ही प्रोडक्शन में इंक्रीज है ठीक है तो सवालों को ध्यान से पढ़ना है और वेरिएबल्स को समझना है कि वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है तो सेल्स की इंक्रीज फर्क हो सकता है प्रोडक्शन से अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज आपको दी जाएंगी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज दी जाए तो जरूरी नहीं जितना सेल में इंक्रीज है प्रोडक्शन में भी उतना आए कॉस्ट में इंक्रीज का ताल्लुक प्रोडक्शन इंक्रीज से होता है तो बहरल यहां पे तो प्रोडक्शन एक तो हमने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट में हम इसकी बात कर रहे हैं एक प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज आना है दूसरा नोट नंबर थ्री अदर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय एट परसेंट इन्फ्लेशन दूसरा इंक्रीज इन्फ्लेशन का आ गया लेकिन यहां पे एक तीसरा इंपैक्ट भी है दैट इज नोट नंबर टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वेरिएबल कॉस्ट पांच परसेंट से कम होगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं जी जब आपका वॉल्यूम बढ़ता है जैसे यहाँ पे सेल्स आपकी तीस फीसद बढ़ रही है प्रोडक्शन तीस फीसद बढ़ रही है तो बाज हायर वॉल्यूम की वजह से आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं जैसे मे बी रॉ मटेरियल सप्लायर आपको डिस्काउंट दे दे हायर वॉल्यूम की वजह से डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं ठीक है सो so उसने कहा इकोनमीज ऑफ स्केल की वजह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट पाँच फीसद कम होने वाली है इसका मतलब इस 570 पे अगले साल तीन इंपैक्ट आने वाले हैं 570 में 30 फीसद इजाफा आएगा वॉल्यूम का 8 फ़ीसद इजाफा आएगा इन्फ्लेशन का और 5 फीसद कमी आएगी इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल की यह वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट अगले साल हमारी क्या होगी पिछले साल की कॉस्ट 570 थी सेल्स वॉल्यूम 30 फीसद से बढ़ेगा तो प्रोडक्शन वॉल्यूम में 30 फीसद इजाफा कॉस्ट में इजाफा इन्फ्लेशन की वजह से आठ फ़ीसद आना है लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से पाँच फीसद कमी आनी है ये तीनों चेंजेस आपने इनकॉपरेट की एक दो तीन नॉर्मली हम दो चेंजेस लेते हैं वॉल्यूम और इन्फ्लेशन यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गई तीसरी चीज़ आ गई कोई बात नहीं इसको भी ले लेंगे जैसे लेबर कॉस्ट होती थी लेबर कॉस्ट में नॉर्मली हम वॉल्यूम और इन्फ्लेशन लेते हैं लेकिन तीसरा फैक्ट भी हम लेते आए हैं कौन सा एफिशिएंसी का एफिशिएंसी कम हो जाती है ज़्यादा हो जाती है तो तीन तीन इंपैक्ट आ जाते थे ना कहा जाता है सवाल को ध्यान से पढ़िए हर वेरिएबल के इफेक्ट्स को देखिए कहां कहा जा रहा है तो ये जी हमारी फाइव सेवेंटी जो पिछले साल थी अगले साल कॉस्ट क्या होगी हम एक्सपेंसि की डिटेल में आ रहे हैं अगले साल हमारे क्या आने वाले हैं जी क्वेश्चन सवाल पिछले साल हमारे वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट फाइव सेवेंटी था अगले साल हमारा वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कहां जाएगा वो आ गया पिछले साल हमारी फिक्स कॉस्ट ट्वेंटी फोर थी फिक्स कॉस्ट में चेंजेस कहां से आती हैं इन्फ्लेशन से तो वो तो आठ फीसद उसने बताया है सो ट्वेंटी फोर इंटू वन पॉइंट जीरो एट मैं हर एक लाइन में लादा था कॉस्ट को ट्रीट करता जा रहा हूँ ये कन्वर्जन वेरिएबल ट्रीट होगी ये कन्वर्जन फिक्स होगी अब आइए ऑपरेटिंग वेरिएबल की तरफ सेवन थर्टी सेवन थर्टीज आ 730, 730 था वो ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे जी एक वॉल्यूम एक इन्फ्लेशन कोई इसमें तीसरी को चेंज का जिक्र है कोई जिक्र नहीं है तो इसमें एक वॉल्यूम का इजाफा तीस फीसद और एक इन्फ्लेशन का इजाफ़ा आठ फीसद आखिरी कॉस्ट नाइन्टी थ्री मिलियन हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट में इजाफ़ा इन्फ्लेशन से आता है इसके अलावा कोई यहाँ पर ज़िक्र नहीं है सो इन्फ्लेशन लीजिए अगले साल हमारी कॉस्ट कहाँ जाएगी इन चारों वैल्यूज़ को कैलकुलेट कीजिए बताइए जी 2594.83 अगले साल हमारी कॉस्ट अंडर द फोर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कहां जाएगी जी बोलिए 1911। जी एनी क्वेश्चन कोई सवाल एक्सपेंसेस की फिगर आ गई एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए थर्ड फिगर पेबल की है तो एक्सपेंसेस आपके पास हैं पेबल उसने कहा वही ट्वेंटी फाइव डेज पे ही रहने वाले हैं जो कैरी डाउन बैलेंस है ये एक्सपेंसेस थे कैरी डाउन बैलेंस इजी वैल्यू वन नाइन वन वन पॉइंट फाइव सिक्स डिवाइड व्री सिक्सटी इंटू ट्वेंटी फाइव सो पेबल का फ़िगर क्या आया क्लोजिंग आपका वन ज़ीरो वन थ्री ज़ीरो वन थ्री टू 132 7.5, 132.75. वन लीजिए यहाँ से आप कैश की फिगर, वन एट डबल सेवन पॉइंट टू वन कैश पेमेंट्स हमारी अगेंस्ट एक्सपेंसिस वन एट डबल सेवन पॉइंट टू वन जी एनी क्वेश्चन कोई सवाल एक्सपेंसेस के अगेंस्ट कैश पेमेंट पे कोई सवाल परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट्स वर्किंग टू हम ट्रेड पेबल्स का लेजर बना लेंगे जी यहां पर ट्रेड पेबल्स में बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा आपकी परचेजेस आएंगी बैलेंस कैरी डाउन होगा और यहां ये कैश की फिगर विच विल बी योर बैलेंसिंग फिगर ये आपको फिगर चाहिए अपने बजट में इनकोपरेट करने के लिए ट्रेड क्रेडिटर्स का बैलेंस जो ओपनिंग है दैट इज अवेलेबल इन द एक्सट्रैक्ट आपको जो बैलेंस शीट पी एन एल एक्सट्रैक्ट दिया स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट सेकेंड लास्ट लाइन उसकी कितना है 95 मिलियन पेबल अगेंस्ट लोकल परचेजेस नाइन्टी फाइव मिलियन अब आपको परचेजेस की फिगर चाहिए परचेजेस की फिगर मिल जाए तो उससे आप क्लोजिंग पेबल निकालेंगे पचास दिन की परचेज़ के बराबर हमें परचेज़ की फिगर चाहिए इसके लिए शायद अब हमें वर्किंग टू पॉइंट वन बनानी पड़ेगी परचेज़ की फिगर किस इक्वेशन से आती है जी रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हमारी जो इक्वेशन है परचेजेस पे जाने की रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अब यहाँ पे फिर वही फाइफो वाला चक्कर आने जा रहा है जी जो मैं अब कह रहा था हर सवाल में हमें नजर आ रहा है इनवेरिएबली मुसलसल तीन चार अटेम्प में आया है फाइफो मेथडोलॉजी है और रॉ मटेरियल स्टॉक की पॉलिसी कंपनी की है क्या पॉलिसी है जी रॉ मेटीरियल स्टॉक की पॉलिसी कहां पर हां नोट नंबर ओपनिंग रॉ मेटीरियल बताया हुआ है टेबल में रॉ मेटेरियल इन्वेंट्री इंक्लूडिंग इंपोर्ट ऑफ नाइनटी एट वन फिफ्टी एट इसका मतलब लोकल रॉ मेटेरियल सिक्सटी एट का है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल हमें पता है नोट नंबर सिक्स में वह कहा रहा है क्वान्टिटी ऑफ क्लोजिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड रॉ मेटीरियल एट द परसेंटेज ऑफ रॉ मेटीरियर कंजम्शन वुड रिमेन द सेम कैश बजट के लिए जो हमने वर्किंग सीखी थी उसमें हमने कहा था जी अब रॉ मेटीरियल कंजम्पशन का ताल्लुक तो दो एंगल से दो इफैक्ट आते हैं उसमें एक वॉल्यूम का एक प्राइस का कंजम्पशन का ताल्लुक वॉल्यूम से है कंजम्पशन का ताल्लुक प्राइस से है हमें कहा गया है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी तीस फीसद सेल तीस फीसद मतलब प्रोडक्शन तीस फीसद तो इसका मतलब कंजम्पशन ने तीस फीसद से बढ़ना है और हमें कहा गया है रॉ मटेरियल की प्राइस ने भी दस फीसद से बढ़ना है कंजम्पशन ने बढ़ना है तीस फीसद से प्राइस ने बढ़ना है दस फीसद से लेकिन चैलेंज क्या है फाइफो सारी कंजम्पशन की प्राइस नहीं बढ़ेगी कंजम्पशन में कुछ ओपनिंग स्टॉक है कुछ ओपनिंग स्टॉक है उसकी प्राइस असर नहीं डालती तो हम करेंगे क्या जो हमने लास्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमने किए थे इस पैटर्न पे हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर लाएंगे एट ओल्ड प्राइस इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये भी ओल्ड प्राइस पे होगा इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये भी ओल्ड प्राइस पे होगा तो हमें फिगर मिल जाएगी रॉ मटेरियल परचेजेस ये भी लास्ट ईयर प्राइस पे फिर क्या करें इसमें प्राइस इंक्रीज डाल दें तो ये हमारी बजटेड परचेजेस आ जाएंगी बजटेड लोकल परचेजेस ये वर्किंग हमने पीछे दो सवाल हमने किए हैं दो सवालों में हम ये वर्किंग बना चुके हैं कैश बजट जहाँ पे फाइफो मेथड इस्तेमाल हो रहा हो आप परचेजेस की फिगर कैसे एस्टिमेट करेंगे पिछले दो क्वेश्चन में हमने बिल्कुल सिमिलर वर्किंग वहाँ पे इस्टबलिश की थी रॉ मटेरियल कंजम्पशन एट ओल्ड प्राइस ले लें इसमें से इसमें ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको रॉ मटेरियल परचेज मिलेंगी ये भी ओल्ड प्राइस पे इसमें सिर्फ परचेज़ में आपने प्राइस इंक्रीज डालनी है आपके पास नेक्स्ट ईयर परचेज फिगर आ जाती है जो बजट में आपने यूज करनी है रॉ मटेरियल कंजम्पशन पिछले साल की कंज़म्पशन कितनी है जी 900 हंड्रेड बट ये तो टोटल है हम तो लोकल की बात कर रहे हैं लोकल कंज़म्पशन कितनी है हमें उसने बताया वह है नोट नंबर वन की बुलेट नंबर थ्री फोर्टी परसेंट रॉल रॉम कंजर इज इंपोर्टेड इसका मतलब लोकल इज पिछले साल 900 का 60 परसेंट लोकल था अगले साल ये 30 फीसद प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ जाएगा सिर्फ वॉल्यूम का इंक्रीज डालें अगले साल ये कहाँ पर जाएगा 702 जीरो टू रुपीज इन मिलियन इट विल बी सेवन जीरो टू पॉइंट जीरो जीरो पिछले साल ये 900 का 60 परसेंट था हम लोकल पे बात कर रहे हैं लोकल कंजम्पशन पे बात कर रहे हैं लोकल रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे बात कर रहे हैं अगले साल सिर्फ वॉल्यूम का इंक्रीज डालो प्राइस चेंज नहीं करनी 702 हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने अभी आपसे शेयर किया था 158 टोटल था नाइनटी इसमें इंपोर्टेड था तो लोकल था इसमें सिक्सटी ये हमने लेस करना है ये फिगर हमें पता है अब हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए नोट नंबर सिक्स हमने पढ़ा था यहां तक रॉ मटेरियल कंजम्पशन एट लास्ट ईयर प्राइस एंड ओपनिंग स्टॉक इन दो वैल्यूज में कोई दिक्कत ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 158 फिफ्टी एट माइनस नाइनटी एट यह फिगर रेडीली अवेलेबल थी कंज़म्पशन हमने लास्ट ईयर कंज़म्पशन में सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज डाली क्योंकि प्राइस को हम बाद में हैंडल करना चाह रहे हैं क्योंकि प्राइस हमने सारी कंजम्पशन पे नहीं लगानी प्राइस तो हमने सिर्फ परचेज पे करंट ईयर परचेज पे लगानी हमें करंट ईयर परचेज की फिगर चाहिए जी एनी क्वेश्चन कोई सवाल नोट नंबर सिक्स में कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल एज अ परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन वुड रिमेन द सेम इसका क्या मतलब ऐसा नहीं लिया जाएगा कि जितनी कंजम्पशन की क्वांटिटी बढ़ेगी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी भी उतनी बढ़ जाएगी एक ही बात है ना एक ही बात है ना उसने कहा परसेंटेज ऑफ फॉर एग्जांपल अगर आपका कंजम्पशन आपकी अज्यूम करें कंजम्पशन आपकी है 100 किलो और से क्लोजिंग स्टॉक आपका है 10 किलो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कंजम्पशन कितना है टेन परसेंट उसने कहा ये परसेंटेज सेम रहनी है परसेंटेज सेम रहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी कंजम्पशन एक सौ पचास से ले जाएगी तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आएगा फिफ्टीन पे ऐसा ही है जी तो ये अगर फिफ्टी परसेंट से बड़ी है तो ये भी 50 परसेंट से बड़ी है तभी ये 10 परसेंट का 10 परसेंट मेंटेन रहा ना उसने हमें कहा क्लोजिंग स्टॉक एज कंजम्पशन फिक्स्ड रहेगा तो इसका मतलब दूसरा जो बनता है जितना कंजम्पशन में इजाफा आ रहा है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक में भी इजाफा आएगा तो कंजम्पशन में कितना इजाफा आ रहा है कंजम्पशन में इजाफा क्वांटिटी में कितना आ रहा है थर्टी परसेंट का कंजम्पशन में इजाफा वॉल्यूम की वजह से थर्टी परसेंट का आ रहा है तो सेम यही इजाफा क्लोजिंग स्टॉक में भी आ जाएगा पहले 60 था 30 परसेंट से क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा कहाँ चला जाएगा सेवेंटी एट लीजिए जी इक्वेशन बनाइए परचेजेस की फिगर सेवन ट्वेंटी और इसमें 10 परसेंट सेवन ये है जी हमारी लोकल परचेजेज ये बिल्कुल आइडेंटिकल वर्किंग है जो हमने पहले दो सवालों में हैंडल की है सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में उसने नई चीज़ दी नया एक जुमला लिखा बट वो जुमला हम सिर्फ पढ़ें तो हमें पता लगना चाहिए वो क्या कह रहा है उसने कहा जी क्लोजिंग स्टॉक में का परसेंटेज एज कंज़म्पशन वुड रिमेन द सेम मतलब जितना पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक एज कंज़म्पशन थी अगले साल भी वही रहने वाली है तो हमें पता है कि पिछले साल 60 मिलियन की इन्वेंट्री थी और हमें पता है कि हमारी कंजम्पशन में 30 परसेंट वॉल्यूम का इजाफा आया क्वांटिटी की बात हो रही है तो सिर्फ वॉल्यूम का इजाफा लिया जाएगा तो वही वॉल्यूम का इजाफा हमने इसमें डाल दिया कंजम्पशन 30 परसेंट बढ़ी है तो क्लोजिंग स्टॉक भी 30 परसेंट बढ़ना चाहिए पिछले साल से अगले साल तक जाते जाते पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक सिक्सटी था अगले साल थर्टी बढ़ के सेवेंटी एट आना चाहिए पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमारे इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन रहा है जी परचेजेस की फिगर सेवन इस सवाल की प्रेजेंटेशन मैं आपसे जो मैं शुरू से बार बार एक चीज़ कहता आ रहा हूँ कि आप एग्ज़ामिनर के फॉर्मेट्स का ऑडिट ना किया करें एग्जामिनर के हर सवाल का फॉर्मेट फ़र्क होता है सेम वर्किंग को प्रेजेंट करने का फॉर्मेट फर्क होता है अब जैसे मैंने ये आपको वर्किंग उसी अंदाज में प्रेजेंट की जिससे आप फेमिलियर हैं अब यह फॉर्मेट एग्जामिनर का समझना जाओगे तो आपको चार घंटे लग जाएंगे समझ नहीं आएगी उसने क्या किया हुआ है आपको लगेगा शायद कोई नई चीज़ आ गई है आप परेशान चीज़ों को पास पेपर को देख के इसलिए होते हो कि आप उसके जवाब के फॉर्मेट्स में जैसे प्रेजेंट किया गया वैसे समय नहीं कोशिश करते हो विच या टाइम इज़ कॉम्प्लेक्स ये वर्किंग मैंने आपसे पेबल की शेयर की इतनी सी अगर आप सिर्फ इस पेज के दो टू फिफ्टी वन पर जाओ तो उसने इतना बड़ा चार पाँच कॉलम छः कॉलम का टेबल बना के उसमें यही वर्किंग शो की हुई है यही सेवन फोटी ये जो वन एट सेवन सेवन की फिगर है आपके सामने उसने ये चार कॉलम राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा पेमेंट ऑफ फॉर एक्सपेंसिज़ वो चार कॉलम में उसने वर्किंग को कॉम्प्लेक्स करके बनाया हुआ है जिसको समझना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वर्किंग को जिस मर्जी स्टाइल की वर्किंग हो आपको उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट करूं जिससे आप फेमिलियर हैं वही टी अकाउंट है वही तीन वैल्यूज हैं ला रहे हैं चौथी बैलेंसिंग फिगर आ रही है अब इंडिविजुअल वैल्यूज की कैलकुलेशन का पैटर्न अगर जुमले फ़र्क लिखे हुए अंग्रेजी फर्क है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन का अंदाज हमारा बदल जाता है बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द सेम फॉर्मेट टू वर्क ऑन

पेबल की फिगर रहेगी तो परचेजेस आ गई तो पेबल में क्या दिक्कत है कितने दिन की परचेज़ के बराबर है पेबल पचास दिन, दिन, दिन की परचेज के बराबर है तो वो यहीं पे लक कर देते हैं हम सेवन नाइन्टी टू ओवर थ्री सिक्सटी इंटू फिफ्टी जनाब वन टेन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो कैश ट्रिपल सेवन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो लीजिए जी ये आपकी कैश पेमेंट्स अगेंस्ट लोकल परचेज आ गई ट्रिपल सेवन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो इस सवाल में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक नई चीज़ डाली कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का आपस में रिलेशनशिप कंजम्पशन से जोड़ दिया नॉर्मली वो क्या कहता था रॉ मटेरियल इज़ एक्स डेज ऑफ कंजम्पशन के बराबर है यहाँ पे उसने ऐसे बात नहीं कही उसने कहा जी इन्वेंट्री जो है वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आपकी बदलेगी कंजम्पशन के वॉल्यूम के रेशो में कंजम्पशन से रेशो में बदलेगी जो एज अ परसेंट ऑफ कंजम्पशन इट विल बी द सेम सो जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी उतनी ही आपकी क्लोजिंग स्टॉक का लेवल बढ़ जाएगा तो वो हमने उसको इनकॉपरेट कर दिया वॉल्यूम चेंज हमने क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया प्राइस चेंज को हमने होल्ड किया हुआ था वो हमने सिर्फ परचेजेस में आगे जाके इनकॉपरेट करना था अच्छा जी अब हम लास्ट वैल्यू पेमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट पे जाते हैं और यहां पे भी हम लेजर अकाउंट बनाएंगे बट ये लेजर अकाउंट पेबल्स का नहीं है क्योंकि इंपोर्ट में हम कर रहे हैं एडवांस टू सप्लायर इम्पोर्ट हम कर रहे हैं एडवांस के अगेंस्ट हमारा एडवांस इज एन एसट बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा यहाँ परचेज आएंगी और बैलेंस कैरीडाउन उसने बता दिया फ्यूचर में ज़ीरो होगा फ्यूचर में एडवांस नहीं होंगे फ्यूचर में आपके एडवांस ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर फिर हमारी कैश की फ़िकर आ जाएगी बैलेंस ब्रॉड डाउन एडवांस का गिवन है क्वेश्चन में कितना थर्टी मिलियन बैलेंस ब्राड गिवन है कैरीडाउन भी बता दिया कि फ्यूचर में एडवांस नहीं होने वाला फ्यूचर में कैश अगेन ऑन डिलीवरी दिया जाएगा अब हमें सिर्फ परचेजेस की फिगर चाहिए ये वर्किंग हमारी थ्री है वर्किंग थ्री पॉइंट वन हमें परचेजेस की बनानी है इसी अंदाज में तो हमें पेमेंट्स टू सप्लायर अगेंस्ट रॉ मटीरियल इंपोर्टेड रॉम डील मिल जाएगी अच्छा जी इसको भी इसी अंदाज में अगर हम लेकर चले रॉ मटीरियल कंजम्पशन एट ओल्ड प्राइस देन एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल अब हम इंपोर्टेड रॉम डील की बात कर रहे हैं लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटीरियल एट ओल्ड प्राइस ये आपके पास आ जाएंगी परचेजेज रॉ मेटेरियल परचेजेज एट ओल्ड प्राइस और फिर प्राइस इंक्रीज की हम बात करते हैं उसको हमने कैसे इनकॉपरेट करना है सेम वही स्टेप्स हैं रॉ मटीरियल कंजम्पन पिछले साल 900 मिलियन का 40 परसेंट थी तो अगले साल इसमें सिर्फ वॉल्यूम का इजाफा आने वाला है 30 परसेंट कहाँ पर जाएगी जी फोर सिक्सटी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल उसने हमें क्वेश्चन में रेडीली बताया हुआ है 98 है और हमें बताया गया है कि भाई जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगी उसी हिसाब से बढ़नी है क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो 98 एट इंटू वन पॉइंट थ्री लीजिए जी रॉ मटेरियल परचेज एट टोल प्राइस फोर नाइन्टी अच्छा यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा एक जैसे मैंने कहा आपको हर सवाल में नई चीज मिलती है आपको इस सवाल में एक नई चीज उसने पिछले पार्ट में इन्वेंट्री की डाली और एक और नई चीज यहां पे है कि यहां पे पेबल नहीं है एडवांसेस हैं अब एडवांसेस की इम्प्लीकेशन क्या यहां पे आने वाली है इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है आप अकाउंटिंग जानते हैं जब एडवांस पे किया जाता है तो परचेज ऑर्डर एट द टाइम ऑफ इशुअस ऑफ एडवांस रेज किया जाता है या परचेज ऑर्डर फ्यूचर में बाद में दिया जाता है एडवांस एडवांस के साथ परचेज ऑर्डर दे दिया जाता है एग्रीड जी हमारा पिछले साल के एंड पे एडवांस खड़ा हुआ है इसका मतलब पिछले साल के एंड पे हम एक ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं परचेज का रिकॉर्ड होती है ऑर्डर प्लेस करते हुए डिलीवरी पे डिलीवरी पे इसका मतलब इस ऑर्डर के अगेंस्ट डिलीवरी हमें नेक्स्ट ईयर आनी है इस ऑर्डर के अगेंस्ट डिलीवरी हमें परचेज हमने इसमें रिकॉर्ड करनी है ऐसे है जी ये जो थर्टी मिलियन की परचेज इसमें शामिल है एग्रीड जी एडवांस हमने बेशक पिछले साल दे दिया था लेकिन परचेज हमारी डिलीवरी अगले साल आनी है तो परचेज वो इसमें शामिल है अब मुझे बताइए हमने यहां पे तो सारी परचेज में प्राइस इंक्रीज डाल दिया क्या यहां पे सारी परचेज में प्राइस इंक्रीज आएगा थर्टी मिलियन पे प्राइस इंक्रीज नहीं आना क्योंकि इसका एडवांस तो हम पिछले साल पे करके आए थे तो हमने प्राइस इंक्रीज़ सब पे 1.3 पॉइंट नहीं डाल देना इसकी प्राइस इंक्रीज़ की एडजस्टमेंट जो आएगी 497.40 माइनस 30 एडवांस निकालो फिर इसमें प्राइस इंक्रीज़ डालो और 30 वापस ऐड कर दो ये आपकी बजटेड परचेजेज़ आ रही है कितनी है जी बजट परचेजेस फाइव डबल फोर ये है आपकी रॉ मटेरियल की परचेजेस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आपने ये जो फॉर्मेट आपको दे दिया गया है इसी फॉर्मेट को याद रखिएगा पास पेपर से इसके फॉर्मेट को फॉलो करने की समझने की कोशिश ना कीजिएगा वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम है उसके बाद भी शायद आपको चीजें समझ न आ सकें मैंने आपको सारी चीजें उसी फॉर्मेट पे प्रेजेंट किए हैं जिससे आप फिमिलियर हैं पिछली एग्जाम्पल में हम इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते आए हैं रॉ मटेरियल परचेजेज की फिगर आ गई इंपोर्टेड 544 पॉइंट वन फोर तो यहां से आप कैश की फिगर निकाल लीजिए फाइव वन फोर पॉइंट वन फोर फाइव वन फोर पॉइंट वन फोर नेट सेवन डबल फोर पॉइंट थ्री एट नेट इज रिसीट जी जनाब एनी क्वेश्चन कोई वैल्यू समझ नहीं आई पूछिए पेबल से हम डील करते आ रहे थे क्रेडिट पे परचेजेस से हम डील करते आ रहे थे एडवांस पे परचेज का भी एक सिनेरियो आ गया हमारे सामने तो उसको भी आपने देख लिया फ़ाइफो है पेबल है कैसे वर्किंग होती है फाइफो है एडवांसेस हैं कैसे वर्किंग होती है ये दोनों चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं अच्छा जी कैश बजटिंग का इस राउंड का आखिरी क्वेश्चन जिसके बाद फिर हमें मजीद आगे कुछ डिस्कशन करनी है क्वीन ज्यूल्स ऑटम पंद्रह क्वेश्चन सिक्स दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द न्यू स्कीम ऑन द बजटिंग ऑटम पंद्रह में नई स्कीम में बजटिंग शामिल हुआ था और यह पहला सवाल हमें आया था बजटिंग के ऊपर इट वॉज फ्रॉम द कैश बजटिंग ऑटम पंद्रह क्वेश्चन सिक्स क्वीन जूल्स रिक्वायरमेंट क्या जी प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हज़ार पंद्रह मंथ वाइज कैश बजट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अगर ये ना देता लिखता तो शायद हमें मंथ वाइज बनाना पड़ता है मैंने आपको गाइडलाइन दी हुई है कि कैश बजट जनरली हम स्मॉलर पीरियड्स में बनाते हैं इफ़ इन्फॉर्मेशन परमिट्स अगर इन्फॉर्मेशन अलाउ करे तो हम उसको क्वार्टरली बजट को मंथली बनाएंगे लेकिन उसने लिख दिया मंथली नहीं चाहिए तो हम इसको एक कॉलम में ही बना रहे होंगे रसीद पेमेंट एक कॉलम में ही आएंगी सारी क्वीन ज्यूल्स डील्स इन इमिटेटेड ऑर्नामेंट्स एंड ऑपरेट्स इट्स बिजनेस ऑनलाइन थ्रू अ वेब पोर्टल अब यहाँ पे सवाल में ना आपको मैं वैसे तो हर सवाल में ही मैं आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन रीडिंग और सनेरियो का समझना बड़ा अहम है लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपको ये चीज रजिस्टर होगी कि, कि क्वेश्चन को पढ़ के अगर सनेरियो ना समझा तो फायदा ही कोई नहीं आपसे मसला कहीं आपको एक कदम नहीं उठाया जाएगा यहां पे। तो रीडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और उसमें बिजनेस को समझना जिस बिजनेस का वो सवाल है उस बिजनेस की ट्रांजेक्शन को उसकी टर्म्स को अच्छी तरह समझना बड़ा जरूरी होता है जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑर्डर्स आर रिसीव्ड थ्रू द वेबसाइट एंड डिस्पैश थ्रू अ कोरियर the mode of payments available to customers are as follows cash on delivery which is collected by the courier on the website pe order karo cash on delivery select kar do website pe order hoga courier wala delivery leke jayega to cheeze dega paise le lega aap se this is option number 1 option number 2 advance payment through credit card Online ऑर्डर कर रहे हो वहीं पे ही क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर दो डिलीवरी बहरहाल आपको फॉलो करेगी बाद में So, एक है डिलीवरी लेके कैश दो तो, एक है ऑनलाइन जब ऑर्डर कर रहे वहीं पे आप क्रेडिट कार्ड से कैश पेमेंट कर दो कैश कलेक्टेड बाय द कोरियर इज सेटल्ड आफ्टर एवरी सेवन डेज मतलब जब कैश कलेक्ट होगा उसके सात दिन बाद आपको मिलेगा कंपनी हमारे लिए तो मैटर करता है कंपनी की जेब में कब आ रहा है तो कोरियर कंपनी आपको सात दिन बाद सेटल करती है आपसे कोरियर कंपनी चार्जेज आर रुपीज थ्री हंड्रेड पर ऑर्डर विच आर डिडक्टेड ऑनथली बेसिस फ्रॉम द फर्स्ट पेमेंट ड्यू इन दबसेकंड मंथ पूरे महीने के जो ऑर्डर के अगेंस्ट तीन सौ के हिसाब से चार्जेज अगले महीने कट जाएंगे पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड आर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन सेवन डेज आज कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया आज कस्टमर ने एडवांस दे दिया आपको कितने बाद मिलें मिलेंगे सात दिन बाद आगे चलते हैं हाई वैल्यू आइटम्स विच रिप्रेजेंट 25 परसेंट ऑफ सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड आर डिस्पैच्ड आफ्टर 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट ऑल अदर डिस्पैचिज आर मेड इमीजिएटली एंड डिलीवर्ड ऑन द सेम डे यहाँ तक ना हमारा पूरा कस्टमर से जो लेन देन है वो स्टैब्लिश होता है क्या हमारी रिसीट की पॉलिसी यहाँ तक क्लियर होती है मैं इसको अगर समराइज करूँ कस्टमर वेबसाइट पे ऑर्डर देता है और अगर आप जुमला पढ़ लो ऑल डिस्पैचिज आर मेड इमीजिएटली जब ऑर्डर आए फोरन डिस्पैच चला जाता है कस्टमर ऑर्डर करने की पेमेंट के दो मोड्स ऑप्ट कर सकते हैं आज ऑर्डर कर रहे हैं ये चीज तो है आज ऑर्डर आज डिलीवरी हो जानी है ये तो क्लियर हो हो गया फॉरन डिलीवरी जाती है पेमेंट के दो मोड हो सकते हैं हो सकता है कस्टमर कहीं मैं कैश ऑन डिलीवरी दूंगा कि भाई मैंने ऑर्डर दे दिया है मुझे आप डिलीवरी भिजवाइए पैसे ले लीजिए दिस इज़ वन इस मैथड में कंपनी को ऑर्डर प्लस सेल वो तो एक ही दिन में होगी ना जिस दिन ऑर्डर उस दिन सेल होगी अगर कैश ऑन डिलीवरी पर चले तो कंपनी को पैसा सेल के कितने दिन बाद आ रहा है सात दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गया जी दूसरा मेथड क्या है क्रेडिट कार्ड से एडवांस पेमेंट आज ऑर्डर करो आज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लिंक कर दो डिलीवरी भी आज हो जाएगी कंपनी को पैसे कितने दिन बाद मिलेंगे तो कैश एंड डिलीवरी हो या क्रेडिट कार्ड हो कंपनी के, के लिए कोई फर्क है कंपनी के लिए कोई फर्क नहीं है कंपनी के लिए दोनों से ही एक जैसी हैं सेल्स के सात दिन बाद पैसे आते हैं हाँ फर्क कहाँ पे है हाई वैल्यू आइटम में जो कितनी है क्रेडिट कार्ड की सेल्स का 25 फीसद क्रेडिट कार्ड की सेल कितनी है 40 परसेंट तो 40 का 25 फीसद कितना बना 10 टोटल सेल का 10 परसेंट हाई वैल्यू आइटम है उसका फर्क है टोटल सेल में से 90 परसेंट ऑर्डरी आइटम है उनका तरीका क्या है आज सेल होगी सात दिन बाद पैसा आएगा लेकिन हाई वैल्यू आइटम जो टोटल सेल का टेन फीसद है उसका मैथड थोड़ा फर्क है वो कहता है जी आर डिस्पैच आफ्टर फिफ्टीन डेज ऑफ पेमेंट पेमेंट के पंद्रह दिन बाद इसमें एक इस जुमले में ना एक ये वर्ड निकाल दें रिसीट ऑफ पेमेंट निकाल दीजिए फिफ्टीन डेज ऑफ पेमेंट कर दीजिए ये मेरे हिसाब से ये एक टाइपो ही हमको लेके चलते हैं फिफ्टीन डेज ऑफ पेमेंट ठीक है जी रिसीट ऑफ निकाल दीजिए तो ये कलादा है वहां पे क्या था ऑर्डर वाले दिन और यहां पे क्या है पेमेंट के पंद्रह दिन बाद ये कार्ड्स के अगेंस्ट सिर्फ हाई वैल्यू आइटम्स प्लाई की जाती हैं एडवांस के अगेंस्ट अप्लाई की जाती है कैश ऑन डिलीवरी नहीं है आगे चलते हैं ये रिसीट को हमने समझ लिया इससे आगे चलते हैं द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस थर्टी परसेंट सेल्स एंड सेल्स ऑर्डर्स आर प्रोजेक्टेड एज अंडर सितंबर से लेकर जनवरी तक हमें सेल्स इन वैल्यू और सेल्स ऑर्डर्स के नंबर्स बताए गए हैं सेल्स इन वैल्यूज हमें रिसीट्स मैयर करने में हेल्प करेंगी और सेल्स ऑर्डर हमें कमीशन जो कटनी है तीन सौ रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से वहां पे मेरे काम आएंगे हाई वैल्यू आइटम्स आर परचेज ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर स्टॉक लेवल्स ऑफ अदर गुड्स इज मेंसेंट ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ हाई वैल्यू आइटम का कोई स्टॉक नहीं है जब ऑर्डर आता है तब खरीदते हैं और भेज देते हैं आगे लेकिन उसके अलावा जितने भी आइटम्स हैं जो हम बेचते हैं उसके नेक्स्ट मंथ्स की प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट का 25 परसेंट हम स्टॉक में रखते हैं 40 परसेंट ऑफ ऑल परचेज आर पेड इन द सेम मंथ्स वेयर एज बैलेंस इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ क्रेडिटर्स का पैटर्न आ गया कि हमारे क्रेडिटर्स जो होते हैं वो सिक्सटी ऑफ एवरी मंथ परचेज होते हैं Purchases during the month of September amounted to 3.2 million. Selling and admin expenses are estimated at 50 million per annum and include depreciation of tangible and amortization of intangible assets amounting to eight and two million respectively. Cash and bank balance as at 30th September, 2015 amounted to 5.5 million. Purchases sales occur evenly throughout the quarter. ये उट द क्वार्टर उसने बात अजीब सी कर दी ऊपर उसने सारा पैटर्न बता दिया है सेल्स का पैटर्न भी बता दिया है परचेज का पैटर्न भी बता दिया है तो ये जुमला मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सा लग रहा है क्या ख्याल है सही yes, yes. क्वार्टर में हमारी सेल्स इवनली तो नहीं है ऊपर yes. उसने बताया हुआ मंथली सेल्स कैसी हैं yes. इवनली का मतलब हर महीने बराबर सेल हैं हमारी परचेजेस भी क्वार्टर में इवनली नहीं होंगी क्योंकि उसने परचेजेस का पैटर्न बता दिया कि भाई अगले महीने की सेल की हिसाब से हमें पच्चीस परसेंट क्लोजिंग स्टॉक रखना है तो जिस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक रख रहे हैं सेल बदलेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बदलेगा क्लोजिंग स्टॉक बदलेगा तो परचेज भी हर साल बदल जाएंगी तो ये जुमला मुझे ज़रा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा है थ्रू आउट द ईयर मुझे लगता है जुमला इसको भी आप काट दीजिए ये रॉन्ग है अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल यू डील विद आई कैप क्योंकि सारी बात है आप या इस जुमले को फॉलो कर सकते हैं या ऊपर को फॉलो कर सकते हैं या आप जैसे उसने पैटर्न बताया नोट नंबर थ्री फोर फाइव में उसको फॉलो करेंगे या नोट नंबर सेवन को फॉलो करेंगे सो so, मुझे लगता है कि थ्री फोर फाइव जो नोट नंबर टू थ्री फोर फाइव हैं वो हमारे लिए शायद हैं ये इरेलीवेंट है इसको आप छोड़ दीजिए मैं कहूँगा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है सो so, नोट नंबर सेवन भी आपका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होने वाला हाँ यहाँ पे ये यह हो सकता था इवनली थ्रू द मंथ मंथ होता लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं थी लिखने की एनी एक दफ़ा इस सवाल को फिर पढ़ लीजिए जी उसके बाद हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे मैंने आपको सनेरियो एक्सप्लेन कर दिया है एक बार फिर रीड आउट करें ताकि एब्जॉब कर सकें इसको और जितने वेरिएबल्स हैं उनको रिटेन कर सकें ये जी कैश बजट का फॉर्मेट हमारे पास रिसीट्स दो आइटम्स की हैं एक ऑर्डरी आइटम्स हाई वैल्यू आइटम इन दोनों को मैं लहदा करना पड़ा क्योंकि दोनों का कलेक्शन पैटर्न फर्क है और फिर हमें कलेक्शन में से जो टोटल रिसीट्स है उसमें से डिडक्शन होनी है कोरियर चार्जेस की वो हमने लिख दी है देन हमारी परचेज़ हैं और एक्सपेंसिज़ हैं यहाँ से विल हैव नेट कैश रिसीट पेमेंट देन ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कैड फॉरवर्ड दिस इज द कम्प्लीट कैश बजट फॉर द क्वार्टर ईजी फिगर फर्स्ट करियर चार्जेज और एक्सपेंसिस ये दो बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर्स हैं पहले इनको डील कर लेते हैं कुरियर चार्जेस के बारे में उसने कहा कि जिस महीने डिलीवरी जाती है उससे अगले महीने कटते हैं इसका मतलब हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बजट बनाना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में किन किन महीने के ऑर्डर के चार्जेस कटेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर सितंबर चार अक्टूबर 450, नवंबर 470, इनटू सेवेंटी इंटू थ्री हंड्रेड कितने बने चार्जेस थ्री नाइन्टी ये आपके कोरियर चार्जेस हैं और एक्सपेंसेस के लिए नोट नंबर फाइव उसने बताया हुआ है कि टोटल आर एस्टिमेटेड एट 50 मिलियन पर एनम, जिसमें से नॉन कैश है 50 मिलियन पर एनम है हमें तो कैश बजट में कैश एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं तो आठ मिलियन एक नॉन कैश है दो मिलियन एक नॉन कैश है तो कैश एक्सपेंडिचर बचा कितना फोर्टी मिलियन बट ये तो सालाना है बजट क्या बन रहा है क्वार्टरली चार से डिवाइड कर दो पेमेंट पैटर्न नहीं बताया तो हम ज्यूम करेंगे जैसे खर्चा वैसे पेमेंट साल का कैश एक्सपेंडिचर टेन मिलियन ये दो फिगर्स सिंपल थी सबसे पहले पढ़ने में ही हमें क्लिक हो गई इनको हमने एज इट इज़ क्विकली ट्रीट कर दिया इजी फिगर्स फर्स्ट पहले हमने ट्रीट कर दिया इनको फॉर्मेट अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के डिवाइस कर पाते हैं तो इस तरह के इजी नंबर आप बड़ी आसानी से स्कोर कर लेते हैं क्विकली विदाउट गेटिंग इन एनी ट्रबल अब हम वन बाय वन से वर्किंग वन वर्किंग टू एंड वर्किंग थ्री ये तीन वर्किंग बनाएंगे तीन वैल्यूज आएंगी कैश बजट कंप्लीट हो जाएगा हमारा ऑर्डनरी आइटम्स की सेल हमारी टोटल सेल का कितने परसेंट है हाई वैल्यू आइटम की सेल हमारी टोटल सेल का कितने परसेंट है टेन परसेंट हाई वैल्यू आइटम की सेल हमारी टोटल सेल का टेन परसेंट है हाई वैल्यू आइटम की सेल क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट सेल का 25 है तो क्रेडिट कार्ड की सेल तो पहले 40 फीसद है तो टोटल सेल का 40 फीसद और 40 का फर्दर 25 इट फर्दी फाइव परसेंटेंट हाई वैल्यू आइटम ऑर्डरी आइटमारीसेंट है और हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ऑर्डनरी आइटम कैश ऑन डिलीवरी पे जाए या ऑर्डनरी आइटम क्रेडिट कार्ड पर जाए हमारे लिए ये दोनों एक बराबर है कंपनी के लिए ये दोनों एक बराबर है दोनों सनेरियो में इसकी कैश रिकवरी सेल के सात दिन बाद है रिसीट सेल के सात दिन बाद होना इसका क्या मतलब है हमारा डेटर बैलेंस सात दिन की सेल के बराबर है डेटर बैलेंस आ गया तो रिसीट फ्रॉम क्रेडिट सेल निकालने के लिए यू नीड लेजर अकाउंट आपको एक लेजर अकाउंट चाहिए वर्किंग वन ये आपका है जी रिसीवेबल्स ऑर्डनरी आइटम्स ऑर्डनरी आइटम्स के अगेंस्ट रिसीवेबल और रिसिबल का खाता होता है जी आपका बैलेंस प्रावड डाउन फिर आपकी सेल्स बैलेंस कैरी डाउन और यहां पे कैश रिसीट ये वर्किंग वन है जी 1.1 ओपनिंग बैलेंस के लिए बनाते हैं 1.2 हम सेल्स के लिए बनाते हैं और 1.3 हम क्लोजिंग बैलेंस के लिए बनाते हैं कैश की फिगर हमारी बैलेंसिंग आएगी हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस क्वार्टर का बजट बना रहे हैं ना तो फर्स्ट अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस अमरत तीस सितंबर का क्लोजिंग ना तो तीस सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस तीस सितंबर की सेल्स सात दिन की सेल्स सितंबर की सेल्स कितनी है फोर पॉइंट सिक्स मिलियन फोर पॉइंट सिक्स मिलियन है लेकिन ये तो टोटल सेल है हम तो ऑर्डनिंग आइटम्स की बात कर रहे हैं वो तो नाइन्टी परसेंट होती हैं और सात दिन की सेल्स नॉर्मली हमें जब मंथ्स में हम जाते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक कि हम तीस और इकतीस और अट्ठाईस दिनों के चक्कर में पड़ते हैं हम नॉर्मली थर्टी डेज अ मंथ ट्रीट करते हैं ठीक है जी सो so ये पूरे महीने की सेल्स हैं डिवाइड बाई थर्टी इंटू सेवन ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारे पास आ जाएगा कितना जी नाइन डबल सिक्स ट्रिपल ज़ीरो दिस इज़ अवर बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारी पूरे महीने सितंबर की सेल कितनी थी उसका नाइन्टी परसेंट ऑर्डरी आइटम होती हैं और हमने पढ़ा था कि सेल्स के, सेल के सात दिन बाद पैसे आते हैं इसका मतलब तीस सितंबर को जो हमारा रिसीवल का बैलेंस होगा सितंबर की सात दिन की सेल के बराबर होगा ये हमारा बैलेंस ब्राड डाउन है देन सेल्स ऑर्डनरी आइटम्स की सेल्स अक्टूबर में फाइव मिलियन नवंबर में फोर पॉइंट टू मिलियन दिसंबर में फाइव पॉइंट एट मिलियन इसका नाइन्टी परसेंट हमारी ऑर्डनरी आइटम की सेल्स हैं जी कितना बना थर्टीन पॉइंट फाइव मिलियन ये हमारी ऑर्डनरी आइटम की सेल है वर्किंग 1.2, 13.5 मिलियन हमारा बैलेंस डाउन, क्वार्टर का कैश बजट बन रहा है फर्स्ट अक्टूबर का बैलेंस ओपनिंग 30 सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस बनता है 30 सितंबर को रिसीवेबल कितने थे सितंबर की सेल का सात दिन और हम ऑर्डरिंग आइटम से बात कर रहे हैं जो टोटल सेल का 90 परसेंट होता है तो वर्किंग 1.1 बैलेंस ब्रॉड डाउन 966,000 सेल्स क्वार्टर की सेल्स पूरे क्वार्टर की सेल्स ऑर्डनरी आइटम की सेल टोटल सेल का 90 परसेंट थर्टीन मिलियन बैलेंस कैरिड डाउन किस महीने की सेल पे डिपेंड करेगा दिसंबर की सेल पे बैलेंस कैरी डाउन डिपेंड करेगा दिसंबर की सेल पे और दिसंबर की सेल है 5.8 का 90 परसेंट डिवाइड विद 30 इंटू सेवन कितना आज वन टू वन एट ट्रिपल जीरो वन टू वन एट ट्रिपल जीरो हमारी वर्किंग 1.3 पॉइंट थ्री वन टू वन एट ट्रिपल जीरो ना यू कैन हैव द कैश कलेक्शन वन थ्री टू फोर एट ट्रिपल जीरो वन थ्री टू फोर एट ट्रिपल जीरो अच्छा जी अब हम हाई वैल्यू आइटम की बात कर रहे हैं जरा हाई वैल्यू आइटम का सिस्टम फिर समझ लो जरा हमने के पढ़ा कि हाई वैल्यू आइटम में पेमेंट के पंद्रह दिन बाद पहली बात हाई वैल्यू आइटम की सेल सिर्फ क्रेडिट कार्ड टेन परसेंट है और क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट है और क्रेडिट कार्ड पे एडवांस पेमेंट की जाती है ऐसे ही हाई वैल्यू आइटम पेमेंट के कितने दिन बाद डिस्पैच होती है पंद्रह दिन बाद और हमें पेमेंट के कितने दिन बाद पैसे मिल जाते हैं सात दिन बाद मतलब आज कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया हमें आज से सात दिन बाद पैसे मिल जाएंगे और उसके फर्दर कितने दिन बाद डिस्पैच होना है आठ दिन बाद इसका मतलब दिस इज ऑफ सेल अगेंस्ट एडवांस एडवांसिंग फ्रॉम कस्टमर कस्टमर से आपके पास पैसा आ जाता है पहले और पैसे आने के आप आठ दिन बाद सेल करते हैं ऐसा ही है ना कस्टमर आज क्रेडिट कार्ड पे, पे पेमेंट करेगा आपको आज से सात दिन बाद पैसा मिल जाएगा और उसके फर्दर आठ दिन बाद आपने डिस्पैच करना है इसका मतलब आठ दिन पहले आपके पास पैसा आ जाता है वर्किंग टू आपका जो अकाउंट बनेगा दैट विल बी एडवांस फ्रॉम कस्टमर दैट विल बी एडवांस फ्रॉम कस्टमर और ये हाई वैल्यू आइटम के लिए है ऑर्डरी आइटम्स के अगेंस्ट रिसीवेबल था आपका क्योंकि वहां पे आप आज ऑर्डर आया आज ही डिस्पैच कर देते हो पेमेंट आपको डिस्पैच के सात दिन बाद आ रही है और हाई वैल्यू आइटम आज ऑर्डर आया सात दिन बाद पेमेंट आ जाएगी उसके मजीद आठ दिन बाद डिस्पैच कर रहे हो मतलब पेमेंट आने के आठ दिन बाद डिस्पैच करते हो तो यहां पे आपका एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर इज योर लाइबिलिटी बैलेंस ब्रॉड डाउन यहां पे आपका सेल्स और यहां पे आपका फिर कैरीडाउन और इधर आपकी शायद कैश रिसीट की फिगर आती है सो so ये अगर आपकी वर्किंग थ्री है तो थ्री पॉइंट वन वर्किंग टू है जी वर्किंग टू है तो दिस इज टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर आपको सेल से आठ दिन पहले पैसे आते हैं यही बात की ना हमने इसका मतलब आपकी अक्टूबर के जो पहले आठ दिन की सेल हैं इसके पैसे कब मिल गए थे आपको अक्टूबर के आठ दिन की सेल का पैसा सितंबर में आ गया था ये आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका क्या है ये अक्टूबर सेल्स रिसीव्ड इन सप्तम्बर यह आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन है ठीक है जी और अक्टूबर की सेल्स कितनी थी फाइव मिलियन लेकिन हम तो हाई वैल्यू की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ टेन परसेंट थी तो so, अक्टूबर की सेल्स हाई वैल्यू की कितनी है इसमें से आठ दिन की सेल्स का पैसा हमें सितंबर में आ चुका है कितना पैसा है वन बेटा मैंने पांच मिलियन की फिगर पूरी लिखी हुई है पॉइंट्स तो नहीं आते ना कहीं बेटा वन मिलियन है वन लाख है क्या है तो एक दो तीन चार पांच खत्म होगी कहानी तो ये तो एक लाख तैतीस हजार बने ना ये कह रहे हैं आप ठीक हो गए जी बैलेंस रहा वन थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी थ्री इसको ये कहते हैं 133,000, 333, हमारा एडवांस अगेंस्ट सेल्स कस्टमर से हमें एडवांस आया अब मैं जो आपको क्वेश्चन शुरू करते हुए बात कही थी कि अगर आपने बिजनेस को नहीं समझा कहानी को नहीं समझा तो आप इनमें से शायद कोई भी फिगर वर्कआउट नहीं कर पाओगे आपसे ना रिसीद निकलेगी ना पेमेंट निकलेगी बहुत ज़रूरी है कि आप बिज़नेस को समझो बिजनेस कैसे हो रहा है और उसके लिए शायद अगर आप खुद अपने आप को बिजनेस का ओनर या मैनेजर समझोगे तो ही आपके लिए चीजों को एब्जॉर्ब करना आसान होगा अगर आप इसको एज अ स्टूडेंट एज मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेके चलोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी आप सोचो कि मैं मैनेजर हूं इस कारोबार का मैं मालूक हूँ इस कारोबार का तो मुझे ये चीज़ों को देखना है चलाना है कैसे चलाना है फिर आपको चीज़ें ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आनी शुरू होंगी टू टू वर्किंग हमें सेल्स चाहिए हाई वैल्यू आइटम की सेल्स 5 मिलियन 4.2 मिलियन प्लस 5.8 मिलियन का 10 परसेंट कितनी है जी हाई वैल्यू आइटम की सेल्स 1.5 मिलियन रुपीज 1.5 मिलियन हाई वैल्यू आइटम की सेल्स 1.5 मिलियन एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर बैलेंस कैरिड डाउन हम क्वार्टर का अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कैश बजट बना रहे हैं 31 दिसंबर को हमारे पास एडवांस स्टैंड करेगा यस किस पीरियड की सेल के अगे जनवरी में जो हमने सेल करनी है आठ दिन की सेल सो वर्किंग 2.3 ये है बेसिकली जनवरीज सेल्स रिसीव्ड इन दिसंबर ये हमारा बैलेंस कैरीडाउन जो आ रहा है जनवरी की सेल जो दिसंबर में आ गई हैं वो हमारा बैलेंस डाउन है तो जनवरी की सेल्स कितनी है सिक्स मिलियन ये तो टोटल है ना हाई वैल्यू की बात कर रहे हैं वो तो दस फीसद है तो जनवरी की सेल्स हाई वैल्यू आइटम की क्या है और आठ दिन की सेल एडवांस में आती हैं कितना बना एडवांस वन सिक्सटी थाउजेंड रुपीज यह आपका बैलेंस कैरी डाउन वन सिक्सटी थाउजेंड लीजिए जी कैश बैलेंसिंग फिगर वन फाइव टू ट्रिपल सिक्स सेवन वन फाइव टू ट्रिपल सिक्स सेवन लीजिए जी रिसीट्स की साइड हमारी कंप्लीट हुई एनी क्वेश्चन कोई सवाल क्वीन जूल्स में हमने रिसीट्स की साइड ले ली एक्सपेंसिस को भी हमने देख लिया है हमारी सिर्फ परचेजेस की वर्किंग रह गई है कैश पेमेंट्स अगेंस्ट परचेजेस कोई चीज़ समझ नहीं आई पूछिए कैश बजट को हमने उसी पैटर्न पे सिंपल जैसे हम लेते आ रहे हैं वैसे ले करते जा रहे हैं प्रेजेंट और तमाम रिसीट्स और पेमेंट्स की वर्किंग भी हम उसी पैटर्न पे कंसिस्टेंटली प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे हमने पहले कैश बजट के सवाल से शायद सीखा था अच्छा जी हमारी ये जो पेमेंट अगेंस्ट परचेजेस की फिगर है इस पर हम कल काम करेंगे हमारा आज का वक्त ख़त्म हो रहा है इस पर मज़ीद हमें पंद्रह दस पंद्रह मिनट लगने हैं तो इसको हम इन श्रा कल देखेंगे और कल ही फिर हम डिस बजटिंग पर डिस्कशन आगे लेकर चलेंगे और हो सकता है बजटिंग पे डिस्कशन कल हम कंक्लूड करके आगे को चलें कुछ सवाल हैं बजटिंग के वो आप समझिए आपके होम प्रैक्टिस के लिए हैं ज़रूरत पड़ी तो रिवीजन क्लास में उनको हम टच करेंगे फिलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं तो कल हो सकता है बजटिंग को क्लोज कर दें और परसों से हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कशन स्टार्ट करें बाकी क्वेश्चन बजटिंग के अगर हम करेंगे तो इन रिवीजन में उसको देख लेंगे हमें जरूरत लगी तो थैंक यू असला